हेलो, मैं आज आपको बताने वाला हूं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP के प्री सपोजिशंस क्या है। NLP आपको कोई प्री सपोजिशंस देती है, मतलब ऐसा गृहित NLP ने रखा हुआ है कि ये ऐसा ऐसा है और यहां से आप यदि ऑपरेट करते हो उसको बोलते हैं प्री सपोजिशन को मान्यता है या धारणा है। तो NLP ऐसी मान्यता देता है कोई कोई चीजों को, कोई कोई स्टेटमेंट को, और वो आप मान्य करते हो। वहां से यदि आप ऑपरेट करते हो, वहां से यदि आप आपका जीना जीते हो, तो आपका जीवन जीना बहुत ही आसान हो जाएगा और खुश हो जाएगा, खुशी मिलेगी। तो ये धारणाएं जो है, जो मान्यताएं हैं NLP की, जो प्री सपोजिशन है, वो क्या है वो हम देखेंगे। तो NLP की एक धारणा है कि मैप इज नॉट ए टेरिटरी, मैप इज नॉट ए टेरिटरी। मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा और इसका मतलब क्या होता है। दूसरा है यू ऑलरेडी हैव रिसोर्सेस यू नीड, आपके पास में सब रिसोर्सेस है जो आपको चाहिए, वो आपके पास में सब है। फिर तीसरा है वन पर्सन कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो लर्न टू डू इट। यदि एक आदमी कर सकता है तो दूसरा भी आदमी सीख सकता है वो करने के लिए। चौथा, हैविंग ए चॉइस इज बेटर देन नन, चॉइस होना अच्छा है बिना कोई चॉइस से। फिर पांचवा है पीपल वर्क परफेक्टली, नो वन इज रॉन्ग, कोई रॉन्ग नहीं, कोई गलत नहीं है, लोग बराबर परफेक्ट काम करते रहते हैं। सो पीपल वर्क परफेक्टली, नो वन इज रॉन्ग। फिर सिक्स, एवरी बिहेवियर हैज ए पॉजिटिव इंटेंशन, जो भी वर्तणुक है, जो भी बिहेवियर है, जो भी क्रिया है, उसको कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटेंशन तो जरूर है। नेक्स्ट इज देयर इज नो फेल्यूर, देयर आर ओनली फीडबैक्स। सो NLP फेल्यूर मानते नहीं है, देयर इज नो फेल्यूर, देयर आर ओनली फीडबैक्स। फिर नेक्स्ट है आठवां, यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट, ऐसा होता ही नहीं है कि आप कम्युनिकेट नहीं करते हो। आप खाली हाथ बैठे भी हो तो भी आप कम्युनिकेट करते ही होंगे, मतलब खाली बैठे होंगे चुपचाप तो भी आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते ही हो। सो यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट। नेक्स्ट इज अनकॉन्शियस माइंड बैलेंसेस द कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड बैलेंसेस द कॉन्शियस माइंड, इट इज नॉट मैलिशियस। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इज द रेस्पॉन्स यू गेट, मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इज द रेस्पॉन्स यू गेट। नेक्स्ट है वर्क इज प्ले, ऐसे अलग अलग मान्यता है, जैसे जैसे मैं और आगे बढ़ूंगा NLP के बारे में तो वैसी ऐसी मान्यता है क्या है, मैं आपको बताते जाऊंगा। अभी हम आते हैं कि पहली मान्यता क्या है। ये मान्यता बोले तो क्या है, मान्यता बोले तो एक गॉगल है समझो, और गॉगल आपने पहन के रखा हुआ है और वो गॉगल से आप दुनिया को देखते हो, मतलब आपके देखने एक मान्यता आपने रखी हुई है और वहां से वो मान्यता से आप दुनिया को देखते हो। तो पहला ये है कि मैप इज नॉट ए टेरिटरी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके हाथ में जो नक्शा है वो नक्शा एक्चुअली जो जमीन है या भूभाग है वो नहीं है, वो अलग है ना, आपके हाथ में जो मैप है वो अलग है, मैप उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब मुंबई है, बॉम्बे, अब बॉम्बे एक्चुअली जो है वो है और बॉम्बे का जो नक्शा मेरे पास में है वो नक्शा है, वो एक्चुअली बॉम्बे नहीं है। अभी इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि जैसा मैंने पहले कम्युनिकेशन मॉडल में आपको बताया कि वातावरण में घटनाएं होती जा रही है, वातावरण में कुछ ना कुछ हो रहा है, घटनाएं हो रही है, सिचुएशन में कुछ ना कुछ हो रहा है, लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वो है इवन। मेरे दिमाग में उसका जो प्रतिनिधित्व हो रहा है या प्रतिनिधित्व होने वाला है या हो रहा है या रिप्रेजेंटेशन होने वाला है और जो भी होता है अंदर, वो है E2। मतलब जो बाहर हो रहा है वो तोड़ मरोड़ के उसमें से कुछ निकाल के जनरलाइज करके उसके ऊपर काफी सारी मरम्मत करके मिर्च मसाला डाल के मेरे अंदर जाके घुसता है। तो इसका मतलब यह है कि E1 जो है बाहर का वो और E2 अलग है, E1 जो है वो अलग है और E2 अलग है। इसका मतलब अंदर जो मेरे यहां E2 है वो अलग है और E1 अलग है। तो E1 जो है वो एक्चुअल और E2 जो है वो है मैप, एंड मैप इज नॉट ए टेरिटरी।
मतलब आपके ईटू में जो जाके बैठा हुआ है अनकॉन्शियस माइंड में, वो एक्चुअल नहीं है, एक्चुअली अलग ही है, अंदर आपके अलग जाके बैठा हुआ है। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा जो मैप है वो एक्चुअली टेरिटरी से मिलता जुलता है क्या। मतलब कोई घटना हो रही है, किसी ने कुछ मुझे बोल दिया है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि एक्चुअली मेरे दिमाग में जो मैप है वो और जो हुआ है वो एक जैसा है कि नहीं है। जैसा मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया कि कोई मेरा दोस्त उधर से अपोजिट साइड से जा रहा है, मैं इधर से जा रहा हूं, अब उसने मुझे नमस्ते नहीं किया, ये हो गया इवन। मेरे दिमाग में क्या है कि ये मेरा सम्मान नहीं कर रहा, ये मेरा मान सम्मान नहीं कर रहा, मुझे ये निग्लेक्ट कर रहा है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया E2। तो अभी मैंने क्या करना चाहिए, मेरे मुझे ये यदि प्रेजेंट में हो गया कि अरे मेरा जो E2 है, मेरा जो मैप है वो E1 से मैच हो रहा क्या, मैंने जो मेरा मतलब रिप्रेजेंटेशन कर लिया अंदर कि ये एक्स व्यक्ति जो है ना ये मुझे आजकल भाव देता नहीं है, ये मुझे मानता नहीं है, ये मैंने जो कर लिया अभी वो सही है कि एक्चुअली और कुछ हुआ है। और उसके लिए मुझे तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे जाके उससे पूछना पड़ेगा कि भाई क्या हुआ, तूने नमस्ते क्यों नहीं किया, तेरा ख्याल नहीं था क्या, तू अपने दिमाग में सोच में था क्या, मतलब वो एक्चुअली देखना पड़ेगा ना मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरा जो मैप है वो एक्चुअली जो टेरिटरी है उसके साथ में मैच करके देखना पड़ेगा, और उसके लिए जाके पूछना, रियलिटी चेक करना, रियलिटी में जाके देखना, लोगों से पूछना, जो भी करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, ताकि मेरे दिमाग में जो मैंने बिठा के रखा हुआ है वो और जो हुआ है वो कुछ ना कुछ मैच होगा। तो पहला प्रीसपोजिशन है कि भाई मैप इज नॉट ए टेरिटरी, मेरे दिमाग में जो है वो एक्चुअली घटित नहीं हो रहा है। फिर लोग पूछते भी रियलिटी है क्या, एक्चुअली रियलिटी में क्या हो रहा है, मेरे दिमाग में जो है वो है, मैंने दिमाग में मेरे अभी धारणा बना लिया कि वो मुझे सम्मान देता नहीं, वो मुझे मानता नहीं, वो भी मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, ये मैंने कर लिया। रियलिटी क्या है, तो रियलिटी मुझे जाके चेक करनी पड़ेगी, उससे पूछना पड़ेगा, ना कि गलत फहमियां मन में लाना है। तो ये जब आप करेंगे तो इसलिए बोलते हैं कि टेक एक्शन टू मेक इट व्हाट इट शुड बी पॉसिबल। मतलब ऐसा देखना है कि भाई क्या संभव है, ये दुनिया में क्या संभव है, क्या क्लोज टू क्लोज मैं आ सकता हूं क्या रियलिटी के पास में, उसके लिए मुझे एक्शन लेनी पड़ेगी। और लोग जो है जो रेस्पॉन्स करते हैं, अभी ये जैसा मैंने मेरे इसमें दिमाग में बिठा लिया, अब वैसा मैं खुद ही कर रहा हूं, वो भी लोगों ने अपने दिमाग में बिठाया हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो जो रेस्पॉन्ड कर रहा है वो तो उसका जो एक्सपीरियंस है वहां से रेस्पॉन्ड कर रहा है, उसने जो मन में धारणाएं बना लिया, उसने जो रिप्रेजेंटेशन अपने दिमाग में कर लिया वहां से रेस्पॉन्ड कर रहा है। अब मुझे उसका नोट डाउन करना पड़ेगा कि भाई वो जो मुझे रेस्पॉन्ड कर रहा है उसका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस मेरी वजह से हुआ है, एक्चुअली क्या हुआ है, एक्चुअली उसने दिमाग में क्या बना के रखा हुआ है, मैंने तो कुछ नहीं किया, उसने अपने दिमाग में क्या बना के रखा हुआ है, मेरे को पूछना पड़ेगा। इसका ही मतलब यह है कि भाई बार बार आपको रियलिटी चेक करनी पड़ेगी, मैप इज नॉट ए टेरिटरी। सो ये प्रीसपोजिशन बहुत ही पावरफुल है, और यदि आप चेक करते रहते हैं लोगों के साथ में तो गलत फहमियां नहीं होंगी, और जो भी रियलिटी में हो रहा है उसके आप बहुत ही नजदीक में रहेंगे, पास में रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मैं और भी प्रीसपोजिशन शेयर करूंगा जरूर। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू।